अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप अपने चैनल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वीडियो को सर्च लिस्ट में ला सकते हो, टॉप पर नंबर वन पर आ जाएगा। और मैं ये इस वीडियो पर जो भी बोलूँगा ना, इस तरीके से आप भी आप अपनी वीडियो पर सेम इसी तरह कर लोगी तो, और सर्च लिस्ट पर नहीं आया वीडियो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर आ जाता हूँ और मैं मेरा वीडियो को नंबर वन पर लाया। ऐसे बहुत वीडियो है, मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एटीएम कार्ड मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं टच कर दूंगा तो ये मेरा वीडियो आएगा या नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। एटीएम कार्ड वाला वीडियो ये मेरा ही वीडियो है, इस वीडियो पर 1.5 लाख के ऊपर व्यूज़ आ गया है। और एक वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया कि फ्री फायर खेलते टाइम व्हाट्सअप कैसे यूज़ करें, उस टाइटल को सर्च कर देता हूँ, मेरा वीडियो आएगा या नहीं वो भी मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं टच कर दिया करने के बाद ना, यहाँ पर ये देख सकते हो मेरे चैनल का नेम और यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीडियो है, ये यहाँ पर नंबर वन पे है। और एक दिखा देता हूँ आपको, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर का एक वीडियो मैंने हाल ही में बनाया था, यहाँ पर देख सकते हो नंबर वन पर आ गया। तो प्रूफ के लिए ये तीनों वीडियो मैं दिखाया ताकि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि ऐसे आप अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हो, नंबर वन पे आएगा। मैं पहले ही बता दिया कि सेम इसी तरह मैं जैसे जैसे बताया है ना, सेम इसी तरह आप वर्क करोगी तो अपना वीडियो ऐसे सर्च लिस्ट पर आ जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई देखो भाई, आप एक न्यू यूट्यूबर हो, अपने चैनल पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, 4000 घंटे पूरा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि एक इस वीडियो ने मेरा चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया और 4000 घंटे भी पूरा कर लिया ये छोटे मोटे एक वीडियो ने। तो इस वीडियो पर मैं टच कर देता हूँ, इस वीडियो ने कितना सब्सक्राइबर लेके आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सब्सक्राइबर हो गया है, मां छोटा मोटा एक वीडियो ने मेरा चैनल का जो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ना उससे ज़्यादा ला दिया है। और वॉच टाइम भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब एक ही वीडियो ने मेरा 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा कर दिया और 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। ये कैसे किया, मेरा वीडियो सर्च लिस्ट पर मैं लाया और मेरे चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, 0 सब्सक्राइबर था, बट उस टाइम मेरे वीडियो सर्च लिस्ट पर टॉप पर आ रहा था, ठीक है। तो उस ट्रिक से मैं मेरा चैनल को मोनेटाइज कर लिया। तो सबसे पहले आप अपनी वीडियो को सर्च लिस्ट पर लाना होगा, लाने के बाद ना अपना वीडियो पर ऑटोमेटिकली व्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि अपना वीडियो सर्च लिस्ट पर आ रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं तो ऐसे सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आपका न्यू चैनल है, अभी तक 0 सब्सक्राइबर है तो आपका वीडियो देखने के लिए कोई नहीं है, आप ऐसे रेंडमली वीडियो सेंड करोगी तो आपका वीडियो देखने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप अपनी वीडियो को फुल SEO करके अपने वीडियो को सर्च लिस्ट पर लाना होगा। ओके, तो ऐसे आप अपनी वीडियो को सर्च लिस्ट पर नंबर वन पर कैसे ला सकते हो, परफेक्ट तरीके से इस वीडियो को दिखाने वाला हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो स्किप मत करना, एंड तक देख लो। ये वीडियो देखने के बाद अपने वीडियो को आप भी सर्च लिस्ट पर ला सकते हो। उसके लिए मैं आपको 2-3 तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन चाहिए वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये 1-2 एप्लीकेशन भी लग सकता है, क्योंकि ये मैं रेंडमली नहीं बता रहा हूँ, फुल प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आप टैग यूज़ ऐप है उसको लेना होगा। आप एक यूट्यूबर हो तो टैग यूज़ शायद होगा, नहीं है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सीधा जाओ डाउनलोड कर सकते हो और टैग यू प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ऐप है, आप BIDQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। दोनों एप्लीकेशन का वर्किंग क्या है, क्या काम है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। आप मान लीजिए ये दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हो, वो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। मान लीजिए आप वीडियो बनाना चाहते हो कि YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी कैटेगरी का हिसाब से
टाइटल सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना कि भाई मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब ये जो टाइटल है ना, इस टाइटल को आप पूरा चेक कर लेना है, पूरा एसईओ करना पड़ेगा, तब जाके अपना वीडियो सर्च लिस्ट पर आ जाएगा। वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने बताया कि BIDQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने चैनल का जो जीमेल है ना, उस जीमेल को और पासवर्ड को देकर सेव कर लेना। तो ये ऐप एकदम सिक्योर ऐप है, आप आराम से डाउनलोड करके अपने चैनल का जीमेल लॉगिन करना होगा भाई। करने के बाद ना उस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो आप इसी तरह ओपन कर लेना। देखो भाई, मैं जैसा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना, आपको ये समझना भी और ये अच्छे से देख लो, क्योंकि बाद में आप अपनी वीडियो पर ये वर्क करना पड़ेगा। ये यहाँ पर देख सकते हो, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया। करने के बाद आप मान लीजिए आप जो टाइटल है ना, उस टाइटल को यहाँ पर लिखना होगा इंटर ए कीवर्ड। आप एक ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, आप मान लीजिए आप वीडियो अपलोड करने वाले हो कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए पिक्सेल लैब से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं टाइप किया कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए पिक्सेल लैब से। अब यहाँ पर दिखाने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके लो कंपटीशन पर वीडियो अपलोड करना होगा। क्योंकि देखिए भाई, अपने चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है और आप मिलियंस वाले चैनल पर आपका वीडियो टक्कर नहीं दे सकते हो जब तक आप लो कंपटीशन पर काम नहीं करोगे। आप लो कंपटीशन कैसे समझे, यहाँ पर इसलिए मैं लेके आया कि यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम और कंपटीशन। ठीक है, तो उस टाइटल को यहाँ पर मैं टाइप किया और यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है 43% और यहाँ पर कंपटीशन दिखा रहा है कि मीडियम। लेकिन आप मीडियम पर नहीं रखना चाहिए, आप अपने कंपटीशन को एकदम लो में जब तक नहीं होगा तब तक आप उस टाइटल को इंप्रूव करना होगा। तो इंप्रूव करने के लिए यहां पर मैं उस टाइटल के आगे पीछे कुछ लगा दूंगा, देखता हूं लो होता है या नहीं। जब तक लो नहीं होगा तब तक आप कोशिश करना होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना वीडियो रैंक करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पिक्सेल लैब से गेमिंग। ठीक है, तो गेमिंग में टाइप कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। गेमिंग कर दिया। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ये आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको माइंड में ये सेट करना है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम का मतलब ऑडियंस है कि ऑडियंस कितना सर्च कर रहा है। ठीक है, और कंपटीशन मतलब आप और दूसरे भी तो क्रिएटर है ना, तो उन क्रिएटर की साथ में कितना कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो यह है कंपटीशन। तो जितना हो सके कंपटीशन लो होना चाहिए और वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो इस टाइटल का कंपटीशन लो है और वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ये टाइटल हमारे लिए सही है क्योंकि इसका कंपटीशन लो है। तो उसके लिए मैं इस टाइटल को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। सब कॉपी करने के बाद ना आप अपने मोबाइल का जो नोटबुक है ना उसे ओपन कर लीजिए। करने के बाद उस टाइटल को यहाँ पर सेव करके रख लीजिए, और भी काम है। ठीक है, मैं नोटबुक पर यहाँ पर आ गया, प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ऐसे YouTube थंबनेल से रिलेटेड एक इंग्लिश टाइटल आपको ऐसे लाना होगा। और कहाँ से लाओगे, BIDQ से यहाँ पर आ जाओ, हाउ टू मेक थंबनेल लिख कर देखो, नहीं हुआ तो ऐसे लो कंपटीशन वाला एक टाइटल लेना होगा। तो देख लेता हूँ कि कौन सा टाइटल हमारे लिए सही होगा, लो कंपटीशन वाला चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लिखा कि हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल यूजिंग पिक्सेल लैब, क्योंकि मैं उस वीडियो पर बताऊंगा कि पिक्सेल लैब से थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो ऐसे आगे पूछे कुछ लगा देना है, उसको मैं सर्च कर देता हूँ उसका कंपटीशन और वॉल्यूम कितना है। हाँ ये भी सही है, तो ये भी सही है, अपना थंबनेल सही है तो चल जाएगा। तो मैं हम उसको भी कॉपी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप 100 कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हो। सी यू ऑल कर दिया, कॉपी पर टच कर दिया, हम चले जाते हैं हमारी मोबाइल का नोट बुक में, यहाँ पर हम प्रेस कर दें। ठीक है, तो 100 वर्ड्स की कम होगा तो आप दूसरे कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको जो मैंने बताया है ना कि आप टैग यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, तो टैग यू एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। क्योंकि यहाँ पर आप फाइंड कंप्यूटर पर टच करना है। करने के बाद आपने जो टाइटल लिया है ना, अपने नोटबुक पर जो सेव किया है ना, उनमें से कोई भी एक टाइटल को कॉपी कर लेना और यहाँ पर आकर प्रेस कर देना। करने के बाद यहाँ पर चेक पर टच कर देना है। ये एप्लीकेशन क्या करेगा ना, आपसे YouTube थंबनेल से रिलेटेड 5 वीडियो का टैग अपने सामने लाएगा। ठीक है, तो उन वीडियो का जो टैग यूज़ किया है ना, उस टैग को अपनी वीडियो पर भी यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसे आप एक दो जिसको अच्छा लगे आप ऐसे डिमांड वाला टैग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्वाइप अप करें, यहाँ पर आप देख सकते हो थंबनेल कैसे बनाए, थंबनेल मेकर, ऐसे आप 15 या
16 कीवर्ड आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी देख सकते हो, मैं कॉपी करो ऐसे आप कॉपी कर लेना, ठीक है। करने के बाद आप बाहर आ जाओ, आने के बाद ना आप नोटबुक पर आ जाओ, आने के बाद यहाँ पर तो आपका वीडियो का टाइटल हो गया है और यहाँ पर नीचे आप उसको प्रेस कर दो। करने के बाद ऐसे देख सकते हो हमारी वीडियो का कीवर्ड यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करते हो या YT स्टूडियो पर, उस वीडियो का टाइटल में ये लगा दो और क्रोम ब्राउज़र में जाके जो टैग का ऑप्शन है ना, ये सब कॉपी करके यहाँ पर प्रेस कर देना है। करने के बाद ये कीवर्ड फिर से अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देना है, ठीक है। ये तीनों जगह पर करना है। करने के बाद अपने वीडियो का ऐसे क्लिकबेट एक थंबनेल बनाओ, बनाकर अपने वीडियो को पब्लिक करो। वीडियो रैंक नहीं किया है ना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये सीक्रेट ट्रिक हर कहीं यूट्यूब पर नहीं बताता है, इसलिए मैं बता दिया कि भाई न्यू चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कंपटीशन हो गया है। तो अपने वीडियो को रैंक कराना है तो इस ट्रिक को एक बार अपना के देखो। और इस भाई का इस ट्रिक को, इस वीडियो को अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपके लिए बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो को मैं बनाया, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके रख लो। ये क्या ट्रिक है, ये इससे ज़्यादा खतरनाक ट्रिक, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी इस चैनल पर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर सीधा आ जाना, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका प्रॉब्लम का सलूशन कर देंगे। तो आज के लिए ये एक छोटा मोटा वीडियो है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।